अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की पाँचवीं जमात सबक 14 में दिए गए सवालों के जवाब बताने जा रही हूँ। सबक 14 ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, इसके अल्फाज के माना भी बता चुकी हूँ। अब आगे हम सवालों के जवाब देखेंगे। मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब लिखे, यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, उसका जवाब हमें लिखना है। सवाल नंबर 1, मुसाफिर ने किस मकसद के तहत ऊँट किराए पर लिया? जवाब, मुसाफिर ने एक गांव से दूसरे गांव जाने के तहत ऊँट किराए पर लिया। सवाल नंबर 2, ऊँट चलते चलते बार बार क्यों रुकता था? जवाब, ऊँट बहुत आसी था इसलिए चलते चलते बार बार रुक जाता था। सवाल नंबर 3, मुसाफिर किस लिए ऊँट के साया में बैठ गया? जवाब, मुसाफिर चलते चलते थक गया था इसलिए आराम करने के लिए ऊँट के साया में बैठ गया। सवाल नंबर 4, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना कैसा है? जवाब, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना एक बहुत बुरी आदत है और अल्लाह को ये आदत नापसंद है। अब आगे है, सही लफ्ज़ के सामने सही और गलत लफ्ज़ के सामने गलत का निशान लगाएं। यहाँ कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, जो सही है उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे, जो लफ्ज़ गलत है उसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। पहला, गर्मियाँ, ये सही है। दूसरा, मुसाफिर, ये गलत है। यहाँ स्वाब का इस्तेमाल किया गया है, मुसाफिर छोटी सी चीज से होता है तो ये गलत है। गाँव, ये सही है। धूप, ये भी सही है। ऊँट, ये भी सही है। आलसी, ये गलत है। यहाँ स्वाद का इस्तेमाल किया गया है, आलसी में छोटी सीन होता है तो ये गलत है। परछाएं, ये सही है। मौका, ये भी गलत है। यहाँ काफ़ और छोटी है का इस्तेमाल किया गया, मौका में काफ़ और एन का इस्तेमाल होता है तो ये गलत है। सबको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। खुदा हाफिज़।